हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आप लंच में बना सकते हो जब कुछ खाना बनाने का मन ना करे। तो थोड़ी सी काली दाल और चावल लीजिए, इसको अच्छे से धो लीजिए और फिर कुकर में नमक डाल के और ऊपर से चाहो तो आप एक चम्मच तेल इसमें ऐड कर लेना, सरसों का हो या रिफाइंड। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है, तेल भी एक चम्मच में डालूंगी। आज मैंने डाला नहीं है, दो विसल आने तक इसको पका लेंगे, बस बंद कर देंगे। अब हम इसकी चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 5-6 मिर्ची ले ली थी, एक टमाटर, क्योंकि हमें बस एक ही टाइम खाना है तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। ये देखिए एक टमाटर ले लिया मैंने, दो ये जो मिर्ची साबुत डाली है ये मैं अभी निकाल लूँगी, और 3-4 मिर्ची मैंने ऐसे कट करके जो डाली है उसको हम उसी में रहने देंगे। ये चटनी भी आप लोग इस खिचड़ी के साथ ना ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। यकीन मानिए, आप लोग ने अगर बना ली ना तो सच बता रही हूँ, मुझे याद करोगे। एक तो इजी है, जल्दी बनने वाली है, और ऊपर से ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें आप जो डालना चाहो डाल सकते हो, अदरक लहसुन। मैं सिर्फ धनिया ऐड कर रही हूँ, वो भी साबुत, जो खड़ा धनिया होता है हमारा वो ही ऐड कर रही हूँ। बस हरी मिर्च, एक टमाटर। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसमें जो धनिया डाला है इसको भी भून लेंगे, और फिर इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट भून गया है। अब इसमें हम थोड़े से अपने मसाले ऐड कर लेंगे, नमक। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हो तो ही मिर्च ऐड करना। ये मिर्च मेरी तीखी नहीं थी ज़्यादा हरी वाली, तो मैंने लाल भी ऐड करी है थोड़ी सी। अब इसको मिक्सी में डाल के मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए हल्की दरदरी ही रखना आप लोग। अब हम अपनी खिचड़ी चेक करते हैं। ये देखिए हमारी खिचड़ी भी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। और ये आप लोग इस पे घी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एक चम्मच आप भर के घी डालिए। अगर ज़्यादा खाते हो तो और डाल लो। और ये चटनी और हरी मिर्च के साथ इंजॉय कीजिए। हर हर महादेव।